एसीबी से एक और अहम खबर है। राजूपाल मर्डर केस में प्रयागराज में बड़ी खबर आ गई है। आपको बता दें कि शूटर अब्दुल कवि से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। 2006 में अब्दुल के नाम राइफल का लाइसेंस स्वीकृत हुआ था। 2009 में राइफल का नवीनीकरण भी हुआ था। सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी है, 2015 में यूनिक आईडी भी लाइसेंस कॉपी पर दर्ज कराई थी। तो फिलहाल लगातार इस मामले में नए नए खुलासे यहां पर देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि 2009 में राइफल का नवीनीकरण भी हुआ था। सूत्रों के हवाले से यह भी अपडेट है, 2015 में यूनिक आईडी भी लाइसेंस कॉपी पर दर्ज कराई गई थी। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की, बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करा रहे हैं। आपको बता दें कि राजूपाल हत्याकांड से जुड़ा हुआ एक और अपडेट यहां पर निकलकर सामने आ गया है। फिलहाल आपको बता दें कि नए नए खुलासे हर रोज यहां पर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जांच हो रही है। शूटर अब्दुल कवि से पूछताछ में कई और बड़े खुलासे यहां पर देखने को मिले हैं। 2006 में अब्दुल के नाम राइफल का लाइसेंस स्वीकृत हो चुका था। फिलहाल उसके बाद 2009 में राइफल का नवीनीकरण का कार्य हुआ, यानी ये सूत्रों के हवाले से जानकारी है। उसके बाद 2015 में यूनिक आईडी भी लाइसेंस के पर ही दर्ज हुई थी। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता अभिषेक लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, जो शूटर है उससे पूछताछ में नए नए खुलासे भी हो रहे हैं, अब राइफल के लाइसेंस को लेकर भी यहां पर खुलासा हो गया है। फिलहाल पूछताछ में और क्या कुछ अहम जानकारियां मिल पाई है पुलिस को? जी बिल्कुल, अब्दुल कवि जो शूटर था राजूपाल हत्याकांड का और आरोपी था, जिसे 18 साल से सीबीआई और पुलिस ढूंढ रही थी, वो अचानक सरेंडर करता है सीबीआई की विशेष अदालत में। और ये भी साफ होता है कि उसके सरेंडर करने के पीछे कहीं ना कहीं भय था। लेकिन अब जो पूछताछ हुई है पुलिस कस्टडी रिमांड में, उसमें कई ऐसे खुलासे हुए जो चौंकाने वाले हैं। अब्दुल कवि जब फरार था, उस दौरान उसका ना सिर्फ लाइसेंस होता है, लाइसेंस का नवीनीकरण होता है, बल्कि जो उसकी राइफल थी उसका 2015 में ना सिर्फ यूनिक आईडी मिलकर मॉडिफिकेशन कराता है वो अपनी राइफल का। तो ये कैसे संभव हुआ, जिसके पीछे एलआईयू लगी थी, इंटेलिजेंस की टीम लगी थी, इतना बड़ा मामला जिसे ढूंढने के लिए ना सिर्फ प्रयागराज पुलिस, यूपीएसटीएफ, सीबीआई की टीम लगी हुई थी, वो कैसे अपनी राइफल का नवीनीकरण करा रहा था, कैसे उसे यूनिक आईडी मिल रही थी और ये किसकी मिलीभगत से हो रहा था, ये सारी बातें अब जांच का विषय बन गई हैं। जहां से उसका राइफल का लाइसेंस बना, जिस थाने की तरफ से उसको स्वीकृति दी गई, जिस थाने की तरफ से उसकी एलआईयू रिपोर्ट लगी होगी, ये सारी बातें और वो सभी लोग अब इस जांच के दायरे में है, उनसे भी पूछताछ होगी, बहुत सारी बातें निकल कर सामने आएंगी कि आखिर ये फ्रॉड किया कैसे गया। बिल्कुल, लेकिन अभिषेक देखिए, जिस तरीके से लगातार खुलासे तो हर रोज यहां पर हो ही रहे हैं, क्योंकि पूछताछ बहुत कड़ी की जा रही है, लेकिन शूटर की तरफ से और भी कुछ खुलासे हुए हैं कि जो अवैध हथियार इनके पास मौजूद होते हैं वो कहां से आ रहे हैं, कौन सप्लाई करता है? बिल्कुल, कई सारी बातें अभी बहुत गोपनीयता रखी गई है उन सारी बातों में। हमें सूत्रों के हिसाब से जानकारी मिल रही है, लगातार इंडिया न्यूज के दर्शकों को हम बता रहे हैं। और ये भी अहम है कि कई सारी बातें बिल्कुल ज्यादा गोपनीय रखी जाएंगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जांच का विषय है राजूपाल हत्याकांड में। और अभिषेक बने रही हमारे साथ, अभिषेक बने रही हमारे साथ, आगे भी लगातार हम लोग आपसे अपडेट लेते रहेंगे।